तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैरियर के 2022 के न्यू इन्वर्टर एसीज के बारे में और बात करेंगे उसके टॉप 10 रीजंस के बारे में क्यों हमें कैरियर का एसी लेना चाहिए। फर्स्ट रीज़न जो आता है वो आता है कैरियर का इंस्टाकूल। इंस्टाकूल आपको इसके रिमोट में एक बटन दे रखा होगा, जैसे आप उसे प्रेस करेंगे एसी अपनी नॉर्मल स्पीड से दो गुना ज़्यादा स्पीड पर वर्क करेगा 45 मिनट्स के लिए, जिससे आपका जो रूम का टेम्परेचर है वो जल्दी से जल्दी ये कम कर देता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर दे रखा है इसके अंदर। सेकेंड रीज़न जो आता है वो आता है कैरियर का 6-in-1 फ्लेक्सिकूल टेक्नोलॉजी। 6-in-1 फ्लेक्सिकूल टेक्नोलॉजी के अंदर आप अपने एसी को अलग अलग टनेज पर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपने 1.5 टन के एसी को 1.6, 1.7, 1.25, 1 टन और 0.8 टन तक भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड रीज़न जो आता है वो आता है ड्यूअल फिल्टर, PM2.5 फिल्टर और HT फिल्टर। जिसकी इंडोर आती है दोस्तों उसके अंदर आपको PM2.5 और HT फिल्टर दे रखा है, जिसका काम ये होता है जो माइक्रो पार्टिकल्स जो पॉल्यूशन होता है उसको रिमूव करता है और आपके रूम में ये एक फ्रेश एयर देता है। फोर्थ रीज़न जो आता है वो आता है हाई MBR वर्किंग AC। जिस टाइम बाहर 52 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा जो कैरियर का AC है वो फेल नहीं होगा। फिफ्थ रीज़न जो आएगा वो आएगा हाइड्रो ब्लू कोटिंग। हाइड्रो ब्लू कोटिंग जो इसकी इंडोर होती है उसके अंदर वेपोरेटर कॉइल के साइड में फिलेम ट्यूब्स के जॉइंट्स होते हैं। नॉर्मली कोरोजन जमने के कारण जो गैस के लीक होते हैं सबसे ज़्यादा वहीं से होते हैं, तो कंपनी ने वहाँ पे कोटिंग कर रखी है जिससे वहाँ पे गैस के लीक नहीं होंगे। सिक्स रीज़न जो आता है वो आता है 100% हाई ग्रूट कॉपर। हाई ग्रूट कॉपर के अंदर ये रहता है दोस्तों जो इसकी इंडोर टू आउटडोर की पाइप आती है उसके अंदर ग्रुप बना रखे हैं, जिसका प्लस पॉइंट ये पाइप के अंदर गैस का ठहराव रहता है। जितनी ज़्यादा पाइप के अंदर गैस का ठहराव रहता है उतनी जल्दी कूलिंग होती है, तो ये हाई ग्रूट कॉपर के साथ में आएगा। सेवन्थ रीज़न जो आता है वो आता है ऑटो क्लीन का। ऑटो क्लीन के अंदर दोस्तों जैसे आप एसी अपना ऑटो क्लीन मोड पे डाल दोगे जो ब्लोअर है वो एसी बंद हो जाएगा, उसके दो मिनट तक चलता रहेगा, वो ब्लोअर को ड्राई कर देगा जिससे जो ब्लोअर के ऊपर की जितनी भी डस्ट है उसको सारी की सारी क्लीन कर देगा। एट्थ रीज़न जो है वो इसका स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। जो कैरियर का एसी आता है इसमें आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। 135 से 280 वोल्ट की इसमें रेंज दे रखी है। नाइन्थ रीज़न जो आता है वो आता है रेफ्रिजरेटर लीकेज डिटेक्टर। इसका काम ये रहता है दोस्तों कि जिस टाइम भी आपके एसी के अंदर गैस लीक होती है किसी भी कारण से, तो उस टाइम ये आपको इंडोर के अंदर एक एरर कोड शो कर देगा जिसके थ्रू आपको पता पड़ जाएगा कि आपके एसी के अंदर गैस का लीकेज हुआ है। टेंथ रीज़न जो आता है वो आता है इसका सेफ्टी सेंसर। सेफ्टी सेंसर्स में जो दे रखे हैं आपको एम्बिएंट सेंसर दे रखा है, डिस्चार्ज सेंसर दे रखा है, कंडेंसर सेंसर दे रखा है, इवेपोरेटर सेंसर भी दे रखा है। वारंटी इसके अंदर आपको जो मिलती है 10 ईयर कंप्रेसर वारंटी मिलती है, 1 ईयर कंप्लीट वारंटी मिलती है। इसके अलावा जितने भी नए मॉडल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मॉडल नंबर और लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं और चाहे तो आप जाके वहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।